एक सरकारी कॉलेज में मधुमक्खियों का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं और स्टाफों में भय का माहौल है। प्रबंधन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को मधुमक्खियों के छत्ते के हटाने के लिए आवेदन भी दिया गया, इसके बाद भी वन विभाग नींद में है। सिंगरौली जिले के सरई शासकीय महाविद्यालय भवन में मधुमक्खियों का आतंक है। जगह जगह मधुमक्खियों का अंबार लगा हुआ है। छात्र छात्राओं को मधुमक्खियों के द्वारा आए दिन काट लिया जाता है, जिसके चलते छात्र छात्राओं व महाविद्यालय के स्टाफ में भय का माहौल बना रहता है। डर की वजह से छात्र महाविद्यालय में कई दिन तक नहीं आते हैं। कॉलेज प्रबंधन ने वन विभाग के अधिकारियों से मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन वन विभाग चैन की नींद सोया हुआ है। मधुमक्खियों के संबंध में हम एक बार जो है तो वन विभाग को सूचना दे चुके हैं। उनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारे पास अभी टीम नहीं है, हम टीम की व्यवस्था करके हम उसको निकलवाने की कोशिश करें। अब इंतजार था, अब अभी हम लोग ये हिसाब किताब बनाए कि एक बार फिर हम अपनी समस्या उन तक ले जाएं और समस्या से अवगत करवाएं। देखिए बहुत सारी मधुमक्खियाँ अभी भी उड़ रही हैं, देख लीजिए आप वहाँ पे। तो ये पता नहीं कब किनको और कहाँ काट लें, इनको कोई भरोसा नहीं है। और उनके वजह से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, कॉलेज के छात्रों का। और कपड़ा भी बहुत गंदा होता है, अगर ऊपर से कुछ गिर गया सफ़ेद शर्ट या किसी भी इसमें, पता नहीं क्या हो जाता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।